हेलो फ्रेंड, दिस इज प्रशांत अगर अगेन फ्रॉम कोलकाता। तो फ्रेंड, ये जो वीडियो है इसमें हम दिखाएंगे जो गाउन का जो वैरायटी होता है उसका नेम और पिक्चर हम दिखाएंगे। पिछले हमारे चैनल में एक वीडियो मैंने डाला है जो 60 टाइप जो गाउन होता है उसका नेम मैंने बताया, तो एक रिक्वेस्ट आया है तो उसी तरह उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें होगा फ्रेंड जो जितना टाइप गाउन होता है उसका साथ में पिक्चर होगा और साथ में नाम होगा, और जो एकेडमिक ड्रेस और जो बॉल गाउन बेड गाउन, तो इसे कौन सा यानी कि इसका जो एक्सप्लेनेशन है, मैंने जो 16 टाइप जो गाउन का नाम दिखाया मैंने उसमें मैंने बता दिया है। तो इसमें सिर्फ मैंने डिस्कस नहीं करूँगा और सिर्फ आप नाम देखिए। जो लोग ये पहली बार देख रहे हैं तो आप वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप देखिए, ऊपर में उसका लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने लिंक दिया है, आप जाके एक बार देख सकते हो। नहीं तो डायरेक्टली इसमें आप देखिए, पिक्चर देखकर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि एकेडमिक ड्रेस होता है और जो एकेडमिक ड्रेस कौन सा टाइप जो ड्रेस होता है वो सारे डिटेल्स इस वीडियो में आपको दिखने के लिए मिलेगा। और साथ में जैसे कि और मैंने मोर टाइप कुछ डाला है एंड मोर टाइप्स गाउन्स नेम आप लोगों को दिख रहा है। ये देखिए जो मोर टाइप्स गाउन्स नेम्स मैंने इसमें कुछ अलग सा जो जनरली सब लोग यूज़ करते हैं और वो उसका नाम भी रहेगा और साथ साथ पिक्चर भी रहेगा। तो फ्रेंड फर्स्ट मैंने जो ये वाला जो हिस्सा है जो टाइप्स ऑफ जो गाउन है ये देखिए, ठीक है फ्रेंड, जो ये वाला जो ड्रेस है इसका जो पिक्चर है वो मैं बाद में दिखा रहा हूँ, फर्स्ट में दिखा रहा हूँ जो ये वाला आप देख लीजिए एंड मोर टाइप्स गाउन्स नेम्स, ठीक है। तो इसमें कौन सा है और पिक्चर क्या है, देखिए सबसे पहले मैंने आप लोगों को दिखा रहा हूँ सिंपल गाउन, तो सिंपल गाउन किसे बोलते हैं आप पिक्चर एक बार देख लीजिए। सभी जो लोग गाउन सीखना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया ये वीडियो है, तो ये देखिए। तो इसी तरह इसके बाद फिर वोकल नहीं रहेगा, आप लोग डायरेक्टली इसे देखकर समझ जाएंगे कौन सा टाइप है। उसका नाम मैंने ऊपर में दिखा रहा हूँ, ये नाम है ऊपर में जो है वो नाम होगा और इधर जो है वो पिक्चर होगा, ठीक है। तो सभी बड़ा करके दिखा रहा हूँ सिंपल गाउन, और ये वाला है सेकंड टाइप का है ये वाला, और ये जो है ये सिंड्रेला, ये सिंड्रेला नहीं है फ्रेंड, ये जो सिंड्रेला गाउन है तो इसके बाद आएगा, यानी कि जो पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है तो उसके ऊपर में जो नाम है उसका नीचे वही रिलेटेड है, यानी कि सिंड्रेला ऊपर में लिखा हुआ है और उसका आ रहा है इस पेज में। ठीक है, उसके बाद नीचे जो आ रहा है ये हॉट गाउन, तो इसी तरह है वो दूसरी पेज में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। ठीक है फिर ये वाला हिस्सा मैंने आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि जो लोग ऑनलाइन में सीखते हैं तो उसके पास तो फिर इसी तरह नोट्स जाते हैं हर मंथ जाते हैं, मगर जो हमारा सब्सक्राइबर है तो आप लोग जो लोग गाउन सीख रहे हैं तो गाउन किस तरीके से सीखेंगे, फर्स्ट गाउन किसे बोलते हैं, उसके बाद ड्राफ्टिंग कटिंग स्टिचिंग और कुछ थियोरिटिकल जो नॉलेज होता है वही मैं देने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप लोग पहचाने जो कौन सा ड्रेस को क्या नाम है और बहुत आसानी से आप लोग कट कर सकते हो। ठीक है, ये ऊपर वाला दो है जो हॉट ड्रेस मैंने दिखाया, उसके बाद फिर जो पार्टी वायर है नीचे में है दिख रहा है आप लोगों को पार्टी गाउन, और ये है पार्टी गाउन, तो वैरायटी टाइप हो सकता है, मैंने एक दिखाया पिक्चर इसमें आप लोगों को समझ में आ चुके हैं जो किस टाइप का होता है। ठीक है फ्रेंड, ये खत्म हो गया है और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ये है मोर है, जैसे कि जेनरली कुछ
गाउन का नाम सभी ने बोलते हैं उस तरह का, उसका क्या नाम है, कैसा दिखता है, वो मैंने दिखा और फर्स्ट, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगा फ्रेंड जो फर्स्ट मैंने आप लोगों को दिखा बताया था जो 16 टाइप जो है उसमें भी मैंने बताया, जैसे कि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो है जैसे कि एकेडमिक होता है और टी गाउन, वेडिंग गाउन, तो इसी तरह है। मैंने स्टार्ट कर रहा हूँ इस जगह में जो टी गाउन, ठीक है, तो टी गाउन किस तरीका से दिखता है ये देखिए। और इसके थियोरिटिकल बहुत है, जैसे कि मैंने इसमें दिखा जो टी गाउन किसे बोलते हैं, व्हाट इज़ द टी गाउन, तो उसका थोड़ा सा छोटा सा एक्सप्लेन इसमें क्या है, तो वो मैं नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये यूट्यूब में है, ये सब नहीं चलता। मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ जो टी गाउन कौन सी ड्रेस को हम बोलते हैं वो हम इसमें आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, इसे टी गाउन बोलते हैं। पिक्चर देखकर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। उसके बाद आ रहा है जो वेडिंग जो ड्रेस होता है, वेडिंग गाउन, ये तो आप सभी लोगों को पता है इसे क्या किसे बोलते हैं। तो छोटा सा मैंने उसमें डिस्क्रिप्शन दिया है और साथ ही साथ इसे इस जो कौन सी ड्रेस को बोलते हैं नेचुरली जो वेडिंग हो शादी वादी में जो पहनते हैं वो है इसमें, और जो ब्राइडल जो होता है वो ये देखिए। ठीक है फ्रेंड, तो वैरायटी टाइप गाउन होता है, इवनिंग ड्रेस होता है, इवनिंग गाउन होता है, तो एक बार आप लोग इसे देख लीजिए तो आप लोगों को उसके बाद कोई भी डिज़ाइन करने में बहुत आसान होगा। उसके बाद आ रहा है जो नाइट गाउन, ठीक है, उसके बाद नीचे वाला जो हिस्सा होता है नाउट का, नाइट गाउन थोड़ा सा डेफिनेशन मैंने दिया है और ये रहा कुछ पिक्चर मैंने इस जगह में दिया है नाइट गाउन। ये भी नाइट गाउन का ही है ये, और इसके बाद आ रहा है फ्रेंड हॉस्पिटल गाउन। तो फ्रेंड जैसे कि पहले जो वीडियो मैंने बनाया उसमें सिर्फ नाम दिखाया, इसमें पिक्चर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, बहुत आसान होगा सीखने में। ये देखिए जो हॉस्पिटल, जैसे कि नर्स वगैरह डॉक्टर्स वगैरह जो सब ड्रेस यूज़ करते हैं, तो रिसेप्शन में भी एक टाइप का ड्रेस होता है वो हम हॉस्पिटल गाउन हम बोल सकते हैं। तो उसके बाद इसी तरह है, सबका भी डेफिनेशन है इसमें। और उसके बाद आ रहा है फ्रेंड ये वाला जो हिस्सा है इवनिंग गाउन, ठीक है, इससे स्टार्ट हो रहा है, पहले थ्योरी है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और ये एक पिक्चर मैंने दिया है, हजारों होता है इसी तरह। ये भी इवनिंग है, इसी तरह दिखता है ये भी, और एक इवनिंग है, ठीक है। और उसके बाद दूसरी और आ रहा है, ये देखिए कोरोनेशन गाउन, और इसके डेफिनेशन दिया है किसे बोलते हैं, और बाद में उसका पिक्चर में दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसी तरह इसका पिक्चर ये है, ठीक है फ्रेंड, क्लियर। और उसके बाद आ रहा है ये देखिए वाफेंट गाउन है, इसका डेफिनेशन मैंने दिया है इस जगह में। उसके बाद इसका पिक्चर मैं दे रहा हूँ इस जगह में, किस टाइप से थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँ मैं। ये भी और एक है, और उसके बाद आ रहा है ये वाला हिस्सा है
पेट डाउन, तो उसका भी डेफिनेशन दिया है, डेफिनेशन में नहीं दिखा रहा हूँ। और ये है पेट डाउन का पिक्चर, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा दूँ, ये है, मैंने एक पिक्चर दिखा, इसी तरह हजारों हो सकता है। उसके बाद आ रहा है बॉल गाउन, बॉल गाउन किसे बोलते हैं उसका डेफिनेशन दिया हुआ है। उसके बाद मैंने इसमें एक पिक्चर इस जगह में मैंने दिया है इसी तरह बॉल गाउन का। फ्रेंड ये देखिए, उसके बाद आ रहा है फ्रेंड जो एकेडमिक ड्रेस होता है, उसका भी डेफिनेशन दिया हुआ है इस जगह में, बाद में हम पिक्चर दिखा रहा है इसका। ये देखिए, ये होता है क्या है, जैसे कि कुछ स्कूल वगैरह है, जैसे कोड वगैरह है, और जैसे कि इसी तरह कुछ अलग अलग जगह है जिसमें इसी तरह यूनिफॉर्म चलता है, तो उसके हम एकेडमिक गाउन हम लोग बोलते हैं इसी तरह। ये देखिए, ये भी एक ड्रेस है। ठीक है, तो फिर तो इस वीडियो में और कुछ भी नहीं बोला है, आप लोगों को पता चल गया है कि कितना टाइप गाउन होता है, किस तरीका से दिखता है वो। और ये हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद यही है, क्योंकि गाउन हम ड्राफ्टिंग दिखा है, उसके बाद हम अलग अलग दिखाएंगे। बहुत दिनों से मैंने गाउन का वीडियो अपलोड नहीं किया है, हम कर देंगे, और उसके बाद गाउन का और कुछ थियोरिटिकल नॉलेज है वो हम दे देंगे। फिर ये जो वीडियो है वो आप लोगों को इस चैनल में देखने के लिए मिलेगा, मगर ये है टेलरिंग वाला जो कोर्स है उसमें आप लोगों को प्लेलिस्ट में देखने के लिए मिलेगा, मगर ये हमारा जो प्रशांत का जो चैनल है इसमें आप लोगों को जो टेलरिंग का एक ही कैटेगरी मैंने प्लेलिस्ट में बनाया, उसमें हर टेलर का कोर्स जो थियोरिकल नॉलेज से रिलेट रखता है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर डाल रहा हूँ। मगर सीधा आपका जो गाउन का जो प्लेलिस्ट है, जो प्रशांत का टेलरिंग फुल कोर्स है, उसमें आप लोगों को इसी तरह गाउन से रिलेटेड सभी वीडियो उस जगह में आप लोगों को बहुत आसानी से दिखने के लिए मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में और कुछ नहीं बोलना है, आज के लिए इतना सही था। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।